हेलो डियर स्टूडेंट, आपको स्वागत है BSC पटना क्लास में। तो आज बहुत ही बड़ी अपडेट लेकर आए हूँ आपको सामने। तो आप लोग अभी तक अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें। इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने वाला हूँ कि CTET के जो नोटिफिकेशन जारी किया है, एग्ज़ाम डेट और CT कहाँ आपको दिया गया एग्ज़ाम के लिए, वो आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो आप लोग चैनल पर बने रहें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो। आपको बता दूं, शुरू करने से पहले अगर आप लोग CTET की तैयारी करना चाहते हैं और KBS की, तो आप लोग इस चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए हम बताने वाला हूँ कि CTET का जो किस स्टूडेंट के कहाँ CT दिया है उसको पता कैसे करें और कब से एग्ज़ाम होने वाला है, वो भी मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो हम लोग पहले यहाँ पर सर्च बार में सर्च करेंगे। सर्च क्या करना है आपको, सरकार रिजल्ट टाइप करके सर्च कर देना है आराम से। तो इसको हम चले सर्च कर दिए सरकारी रिजल्ट। इस प्रकार से सर्च करने के बाद आपको सरकारी रिजल्ट का मेन वेबसाइट इस प्रकार से खुल जाएगा। खुलने के बाद इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए आपको इस प्रकार से आ जाएगा। आपको नीचे स्क्रॉल करके जाना और आपको सीधा जाना है CTET दिसंबर एडमिट कार्ड। डाउनलोड भी हो रहा है, यहाँ से देख सकते हैं। आपको इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, या तो आप लोग अगर एग्ज़ाम CT देखना है तो आप लोग यहां से एग्ज़ाम CT डिटेल्स भी देख सकते हैं। जी हां, आपको बताने वालों पहले नंबर की हम जो एग्ज़ाम CT से पहले एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें। जी इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये ऐड को कट कर देंगे। कट करने के बाद मेरा इस प्रकार से खुल जाएगा CTET का पूरा वेबसाइट। देखिए इस प्रकार से आ गया। तो हम नीचे चलेंगे स्क्रॉल करके, आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो देखिए अभी तक यहाँ पर एडमिट कार्ड जारी नहीं किया गया, इसलिए आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं दिया रहा है। आपको यहाँ पर एग्ज़ाम चेक डेट एंड CT करने का बता रहा, चेक करने के लिए आया है लिंक। तो आप लोग इस पर क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद आपको इस प्रकार से जो एप्लीकेशन आप लोग किए होंगे वो एप्लीकेशन नंबर यहाँ डाल फिल कर देना है, डेट ऑफ बर्थ फिल कर देना है और इंटर पिन यानी सिक्योरिटी पिन जो होता है ये वाला आपको इस पर फिल कर देना है। फिल करने के बाद आपको सबमिट कर देना है। इसमें सबमिट करने के बाद आपको फिर से एक नया पेज खुल के आ जाएगा और उसमें आपको आ जाएगा कि आपका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ मिला है। तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आसान तरीका से आप लोग जल्दी से जल्दी चेक करें और आप लोग कमेंट बताएं कि आपको कहाँ एग्ज़ाम सेंटर दिया है। आपको बहुत कम दिनों में तैयारी करने का टाइम नहीं मिला है तो जल्दी देख सकते हैं। तो चलिए बहुत बढ़िया। आप लोग अगर वीडियो को अच्छा लगा है तो लाइक भी कर दे। आप दूसरा तरीका मैं बताता हूँ कहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। दूसरा तरीका आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, लिंक यहाँ है, यहाँ भी क्लिक कर सकते हैं एडमिट कार्ड वाले रो में और यहाँ पर नीचे उसी प्रकार से नीचे जाना है हमको और यहाँ क्लिक करना है चेक हेयर एग्ज़ाम डेट एंड CT। तो यहाँ से आप लोग क्लिक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको बहुत बड़ी न्यूज मिल गया है तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबा लें।